हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर, और आप देख रहे हैं अबाउट कार्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपकी एक कार के कूलिंग सिस्टम के ऊपर होने वाला है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके कूलिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो इसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी जो आपका रिजर्वायर होता है कूलेंट का, वहाँ से जो आपका कूलेंट ओवरफ्लो कर रहा था। तो चलो दोस्तों, मैं आपको अपने इंजन बे की तरफ ले चलता हूँ और वहीं पर दिखाऊँगा आपको कि कैसे आपकी कूलिंग सिस्टम की वर्किंग रहने वाली है और क्या क्या कारण हो सकते हैं आपकी कार का ओवर हीटिंग होने का, और साथ ही आपका जो रिजर्वायर है ओवरफ्लो होने का। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाएं। जो रिजर्वायर आप ये देख पा रहे होंगे ये इसमें न्यू लगा हुआ है, इसका भी मैं आपको कारण बताने वाला हूँ। प्लस दूसरी बात दोस्तों, आपका जो ये रेडिएटर का पे न्यू है और जो आपका रेडिएटर है वो भी न्यू है। दोनों की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने रेडिएटर चेंज किया है, और आप ऊपर आई बटन में भी इसे देख सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो कार में जो कूलिंग सिस्टम रहता है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, तो ये क्या क्या हिस्से हैं वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी बात, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों ये वाला थर्मोस्टेट वाल्व, इसके भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी कार में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जब आप कार ड्राइव कर रहे थे करीब करीब 5 या 7 किलोमीटर के आसपास में ही आपका जो रिजर्वायर है यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा था, इन साइडों से ओवरफ्लो कर रहा था। ये तब कर रहा था जब मैंने आपका जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो चेंज कर दिया था। थर्मोस्टेट वाल्व चेंज करने से पहले, क्योंकि जो मेरा रीज़न था थर्मोस्टेट वाल्व चेंज करने का, वो ये था कि जो आपका ये रिजर्वायर ओवरफ्लो कर रहा था यहाँ से, इस पाइप के थ्रू ओवरफ्लो कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा था, यहाँ से ओवरफ्लो नहीं कर रहा था, इन साइडों से ओवरफ्लो नहीं कर रहा था, जो आपके किनारे के साइड है यहाँ से ओवरफ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ से ओवरफ्लो कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा था। जितना भी कूलेंट आपके रिजर्वायर में रह रहा था वो तो पूरा आपकी यहाँ पे देख पा रहे होंगे लो तक पहुँच जा रहा था, फिर उससे भी नीचे पूरा उसको खाली कर दे रहा था। प्लस दोस्तों, कार के अंदर कोई भी हीटिंग इशू को कोई साइन नहीं आ रहा था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। मैं आपको एक बार साइन भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे ये वाला साइन चले गया है, ये स्टार्ट के बाद चले जाता है, जैसे आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी चले जाएगा, अगर हीट होगी तो आपका यहाँ पे साइन आ जाएगा। एक बार मैं फिर आपको इग्निशन ऑफ करके फिर दिखा देता हूँ, ये किसी भी प्रकार का यहाँ साइन नहीं आ रहा था, ना कोई गाड़ी आपकी ओवर हीट हो रही थी। तो दोस्तों, ये सारा यहाँ से कूलेंट यहाँ से बाहर फेंक दे रहा था और कुछ यहाँ से भी आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने दोस्तों इसका सबसे पहले यहाँ पे आपका जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो बेंड हो रखा था, तो मैंने वो चेंज कर दिया था। और उसके चेंज करने के बाद भी क्या हो रहा था दोस्तों, इसमें फिर भी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई थी। यहाँ से आपका जो कूलेंट है यहाँ से आपका ओवरफ्लो कर रहा था, या फिर यहाँ से लीक कर रहा था, जो भी कह सकते हैं वो कर रहा था, लेकिन यहाँ से जो कूलेंट है वो फिर भी 1-2 ड्रॉप आ रहे थे, लेकिन बहुत कम यहाँ से आने लग गया था पाइप के थ्रू। क्योंकि तभी होता है जब आपका हेड गैसकेट की प्रॉब्लम होती है, फिर यहाँ से आपका कूलेंट फेंकना बाहर का शुरू कर देता है इस वाले पाइप से, या फिर आपकी कार हीट हो रही, या फिर आपका जो यहाँ कहीं क्रैक हो जाए लाइन में, कहीं लीक हो, कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर होता है अगर जब आपकी हेड गैसकेट काफ़ी बुरी कंडीशन में चले जाती है, फिर आपका पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है गैसेट, तब आज यहाँ से आपका जो कूलेंट है वो ओवरफ्लो करता है। तो दोस्तों, ये चीज़ करा लेने के बाद मैंने एक बार अपना जो रेडिएटर है वो क्लीन करवाया था, लेकिन क्लीन कराने के बाद भी क्या हुआ कि मेरी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुई, और फिर भी यहाँ से आपका कूलेंट हल्का हल्का लीक कर रहा था, और फिर जो कूलेंट की क्वांटिटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी, काफ़ी कम, मतलब आपका जब कार आपकी 50-60 किलोमीटर चल जा रहे थे तब जाके आपका 2 या 3 ड्रॉप यहाँ से कूलेंट है वो लीक हो रहा था, बिल्कुल बहुत कम हो रहा था। लास्ट में दोस्तों, मैंने MGP से 2605 रुपये का जो आपका रेडिएटर आता है MGP कंपनी का, तो यही इसका प्राइस है,
2605 रुपीस का। तो देहरादून में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो आप प्रिंस चौक से, अशोका मोटर से एमजीबी के पार्ट्स खरीद सकते हैं मारुति के, वहाँ पे आपको जेन्युइन पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ से ये ख़रीदा था और उसके बाद मैंने ये खुद ही फिट किया था। इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं, लेकिन मैंने किस प्रकार से फिट किया था इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आगे देख सकते हैं। तो मैंने ये डाला था और फिर भी दोस्तों फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं आपका जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ, वहाँ पे मैंने मैकेनिकों से पूछवाया था तो वो बिल्कुल इसका जो कार का इंजन है वो खोलने को तैयार हो गए थे। फिर दोस्तों मैं कार को लेके गया आपका देहरादून। तो दोस्तों जब मैं इस कार को देहरादून लेके गया तो फिर वहाँ पे मैंने एक मैकेनिक को दिखाया और मैकेनिक को दिखाने के बाद उन्होंने फर्स्ट एकदम से चेक करने स्टार्ट करने के बाद भी इसमें बिल्कुल आपका प्रेशर नहीं था, ये बिल्कुल नॉर्मल था। और इसमें जो कूलेंट था रेडिएटर में वो कम नहीं हो रहा था, बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, जितना था उतना ही रह रहा था, वहाँ से कम नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ से आपका लीकेज हो रहा था या यहाँ से फिर एक दो बूंद यहाँ से आ रही थी। तो उन्होंने दोस्तों एक ही मुझसे बात बोली कि आपका थर्मोस्टेट वाल्व भी ओके, रेडिएटर भी ओके, रेडिएटर कैप भी न्यू है, सब चीज़ न्यू है और आपकी जो हेड गैस्केट है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में, आप बेफिक्र होकर अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। और उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि आपको जो ये रिजर्वायर है पूरा आप इसे चेंज कर दीजिए और साथ में जो इसकी ये दोस्तों ये वाली कैप और इसके अंदर एक पाइप होता है वो दोनों न्यू मिला था। ये वाला जो पाइप है ये पुराना वाला ही है, ये नया नहीं है, ये पुराना वाला ही है। तो ये मैंने यही रहने दिया और ये जबकि थोड़ी ये लॉन्ग था तो मैंने ये थोड़ी काट के थोड़ी शॉर्ट किया और फिर ताकि दिखने में ख़राब ना लगे इस वजह से मैंने शॉर्ट करके सुपर ढंग से यहाँ फिट किया था। तो ये मैंने फिट किया और मैं आपको पुराना वाला रिजर्वायर भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वीडियो थोड़ी पॉज की थी क्योंकि मैंने पीछे रखा हुआ था आप ट्रंक में, तो वहाँ से मैंने ये निकाला है। तो ये वाला दोस्तों इसका पुराना रिजर्वायर है और जो ये देख पा रहे होंगे ये थोड़ी इसकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है और ये जो आपका न्यू मॉडल वैगन आर हो गई या फिर आपकी ऑल्टो कैटन है उसमें ये वाला आपका रिजर्वायर फिक्स होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ से शॉप में ये रिजर्वायर ख़रीदने गया तो उन्होंने कहा कि आपकी इसमें ईजिली फिट हो जाएगा, तो ये ईजिली इसमें फिट हो गया था बढ़िया से और ये जैसे आप इसे ऊपर खींचोगे तो ये अलग से ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो इस जो आपका रिजर्वायर है वो चेंज करने से हुई और इसका उसके बाद मैंने करीब करीब कार 150 से 200 किलोमीटर चलाई और इसमें हल्का सा भी बारीक सा एक ड्रॉपलेट भी यहाँ पे बिल्कुल लीकेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ओके है और मेरी जो प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये था मेन रीज़न जो मेरा रिजर्वायर ओवरफ्लो कर रहा था, बाकी मेरी कार में कोई हीटिंग का इशू नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन मैं इस वीडियो को जो मेरा मेन मोटिव बनाने का है, आप एकदम से किसी भी चीज़ को मतलब आप इंजन नहीं खुलवा सकते, अपना हेड नहीं खुलवा सकते, आपका हाफ इंजन खुल जाएगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें। पूरी प्रोसेस चेक करें, आप अपना देखें कि आपका थर्मोस्टेट वाल्व सही है, आपका रेडिएटर कैप सही है, फिर रेडिएटर चेक कराएं, रेडिएटर कहीं से ब्लॉक तो नहीं है, कोई रेडिएटर में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उस कारण से अगर रेडिएटर में ब्लॉकेज हुई तो वहाँ गैस बनती है, उस कारण से भी आपका जो रिजर्वायर है ओवरफ्लो करता है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था और मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लगी, इस वजह से मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो दोस्तों मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इसी की वजह से हुई है, बाकी जितना मैंने इसमें कूलेंट फील किया था उतना ही है, एक बूंद भी कम नहीं हुआ और बिल्कुल ओके कंडीशन, बिल्कुल गाड़ी में कोई भी हीटिंग की इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों इसमें जो होता क्या है कि आपको जो ये होता है जब आप इसे ज़्यादा खोलते हो या फिर बंद करते हो, या फिर जो मेरे इसमें ये प्रॉब्लम आई है ये इस वजह से आई क्योंकि जो मेरा थर्मोस्टेट वाल्व था वो बेंड हो चुका था और जो इसकी कूलिंग की प्रोसेस है या फिर आपकी जो कूलेंट पूरा फ्लो होता है उसकी जो प्रोसेस वो बिगड़ गई थी, इस वजह से यहाँ से जो आपका इसकी जो रबड़ है वो ख़राब हो गई थी। मैं आपको रबड़ दिखा देता हूँ पुराने वाले की। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें एक पाइप होता है और इसके अंदर एक रबड़ होती है, तो ये रबड़ शायद से इसकी ख़राब हुई थी, इस वजह से ये ओवरफ्लो कर रहा था। जब मैंने ये चेंज करा तो मेरी जो प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व हो गई। इस पर दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों इसका जो रबड़ का आपका डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, इस वाले का इससे डिफरेंट है वो। तो दोस्तों ये इसका मेन रीज़न था जो मेरे इसमें आपका रिजर्वायर ओवरफ्लो कर रहा था। बाकी दोस्तों अगर आपकी कार में कभी भी रिजर्वायर ओवरफ्लो करता है
या फिर आपके इसमें एकदम से हीटिंग इशू आ जाता है, अगर आपके इसमें साइन स्विन आ जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोस्तों इस चीज़ को आप चेक कर लें, अपना आप एक अपना पंप भी चेक कर लीजिए, जो आपका इंजन में पंप लगा होता है कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए, वो भी चेक कर लीजिए दोस्तों। दूसरी बात, थर्मोस्टेट वाल्व भी चेक कीजिए, रेडिएटर चेक कीजिए, रेडिएटर कैप चेक कीजिए, और लास्ट में आपको जो ये बॉक्स है ये भी चेक कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।